अस्सलाम वालेकुम, क्या आवाज आ रही है बेटे आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम। अच्छा बेटे, हमारे जितने भी सेशंस हैं वो इंशाल्लाह स्काइप पे होंगे, लेकिन स्काइप पे मैं खुद कॉल करूंगी। अभी मैं जिस स्टूडेंट का कह रही हूँ उसने खुद से कॉल जनरेट करके और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। बेटे इस तरह से नहीं होता। आप लोगों के जितने भी सेशंस हैं वो मैं इनिशिएट करूंगी और फिर आप लोग जो हैं आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग रहेगी, मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन आपने खुद से कॉल नहीं करनी। कॉल एट टाइम्स डेजिग्नेटेड टाइम से कुछ मिनट पहले या बाद में भी हो सकती है, लेकिन आपने खुद से कॉल जनरेट नहीं करनी। ड्यूरिंग सेशन आप लोगों के कैमरास जो हैं वो ऑफ रहेंगे और आप लोगों के माइक्स म्यूट रहेंगे। सेशन के दौरान कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन नहीं करेगा। आफ्टर सेशन आप ये कर सकते हैं। ठीक है बेटे, सेशन का आप लोगों ने वेट करना है। हॉस्पिटल वार्ड का जो प्रोजेक्ट है इसके ग्रुप्स बन चुके हैं, 8 ग्रुप्स हैं हमारे पास। मैं इन तमाम ग्रुप मेंबर्स से आज बात करूंगी बारी बारी, और आप लोगों ने बेटे बहुत अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है। ठीक है बेटे, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, हमने वो अपने माइंड में रख के फिर काम करना है। ठीक हो क्या बेटे? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिस बच्ची का मैं कह रही हूँ या स्टूडेंट हैं जो भी जिन्होंने कॉल जनरेट की थी वो भी सुन लें कि स्टूडेंट्स में से किसी ने कॉल खुद से जनरेट नहीं करनी। अच्छा, अब बेटे आप लोगों को प्रोसेस पता है। आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो गई है, आप लोगों को अपने ग्रुप्स भी नज़र आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना है। अब इसके लिए मैं आप लोगों के साथ LMS की स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्किंग का इशू है, अगर तो LMS आ रहा हुआ तो फिर हम देख लेते हैं। जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं असाइनमेंट के बारे में गाइड कर सकूं। बेटे होपफुली स्क्रीन आपको नजर आ रही है जिसमें आप लोगों की असाइनमेंट दिख रही है। आपको 1 या 2 स्टूडेंट्स अनम्यूट करके बता दें। यस मैम। ओके, यस मैम, नजर आ रही है। फर्स्ट पेज, वेरी गुड। फर्स्ट पेज देखिए बेटे, इसमें टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों का जो असाइनमेंट फाइल है उसमें 10 टाइटल्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने लिखना होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट हॉस्पिटल वार्ड और फिर आपका ये प्रपोजल होगा। ग्रुप आईडी आपने अपनी मेंशन करनी है। ग्रुप आईडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट करना है। और ये स्टूडेंट का जो ऑर्डर LMS पे दिया हुआ है इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे और उन्होंने अपनी IDs लिखनी है। सुपरवाइजर नेम में आप मेरा नाम लिखेंगे। डेट ऑफ सबमिशन इसकी 14 मई है। आपका काम शुरू होता है यहाँ से। जो भी स्टूडेंट 1 यहाँ पे होगा उसने इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें वो ओवरव्यू देगा कि आपका प्रोजेक्ट, आपका जो एरिया है हॉस्पिटल वार्ड, उसका पर्पस, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें एज एन एक्टिव सिटीजन आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर लिटरेचर रिव्यू में आपने देखना है कि प्रीवियस रिसर्चेस में क्या ऐसा काम हुआ है जो कि रिलेटेड है हॉस्पिटल वार्ड से, साइकोलॉजी से और एक्टिव सिटीजनशिप से। ठीक है, उसका थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल लिटरेचर जो है वो आपने यहाँ पे देना होगा। थर्ड, फिर आपका आ जाता है मेथडोलॉजी का सेक्शन। मेथडोलॉजी के सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि कौन सी एथिकल कंसिडरेशन है जिनको आप देखेंगे और किस तरह से आप अपनी डाटा कलेक्शन करेंगे। टाइमलाइन में आप बताएंगे। जो स्टूडेंट नंबर 4 है उसका काम ये होगा, यहाँ देख लीजिए, आपने डिटेल टाइमलाइन देनी है। एक तो टाइमलाइन आपको मैंने प्रोवाइड किया है इस प्रोजेक्ट की, जिसमें आपके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, फिर ग्रुप फॉर्मेशन है, फिर असाइनमेंट 1 है, फिर असाइनमेंट 2 है। तो इसी तरह आप अपना काम किस तरह करेंगे उसकी टाइमलाइन आपने खुद से डिवाइस करनी है। स्टूडेंट 5 का काम होगा कि वो एक्सपेक्टेड आउटकम बताएगा कि क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। ये प्रोजेक्ट जब आप एग्जीक्यूट कर लेंगे, एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेंगे, तो पार्टिसिपेंट्स जो होंगे इसके, उनके ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ये आपने बताना है। इन एडिशन टू इट आप लोगों ने 5 एक्टिविटीज डिजाइन करनी है। ठीक है बेटे, यहाँ देखें लिखा हुआ एक्टिविटी 1 स्टूडेंट 1 ने डिजाइन करनी है, एक्टिविटी 2 स्टूडेंट 2 ने, इसी तरह स्टूडेंट 5 जो है उसने एक्टिविटी 5 डिजाइन करनी है। अब एक्टिविटीज किस तरह होंगी, एक्टिविटीज अलाइन होंगी किस चीज से, आपके टाइटल से। आपने जो टाइटल सेलेक्ट किया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की एक्टिविटीज अलाइन होगी। इसी फाइल के अंदर आपके पास दिया हुआ है सैंपल भी, सैंपल एक्टिविटीज आप लोगों के पास भी ये फाइल मौजूद है। आप, मैं निकाल लेती हूँ सैंपल एक्टिविटीज, आप इनको देखिए। सैंपल एक्टिविटीज को आप स्क्रीन पे रीड कीजिए, मीनवाइल मैं एक और फाइल ओपन करती हूँ। ये देखिए एक्टिविटी 1 है माई कम्युनिटी, एक्टिविटी 2 स्टोरी टेलिंग, एक्टिविटी 3 माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, एक्टिविटी 4 आर्ट थेरेपी, एक्टिविटी 5 कम्युनिटी सर्विस। ठीक है बेटे, जरूरी नहीं है कि आप सेम एक्टिविटीज बनाएं। बच्चे अक्सर कहते हैं हमें सैंपल एक्टिविटीज बता दें। ये देखें एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन है कि इसमें आपने करना क्या है, और जब हम प्रपोजल बनाते हैं तो वो हम फ्यूचर टेंस में काम करते हैं। ठीक है बेटे, फ्यूचर टेंस में बताते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से आपने अपना काम करना है। हर स्टूडेंट का ये सेक्शन डिवाइड हुआ हुआ है, एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन लिखना है आपने इसके लिए, और एक पैराग्राफ आपने एक्टिविटी का लिखना है। एक्टिविटी का नाम होना चाहिए, उसका टाइटल आपने रखना है, और फिर आपने वो एक्टिविटी जो है इस तरह से डिजाइन करनी है। ठीक हो गया बेटे, और फिर ये आप इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लीजिए। इसमें बताया गया है कि आपने MS वर्ड पे अपनी असाइनमेंट करनी है। टाइम, न्यूज, रोमन या एरियल होना चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज 12, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। ये असाइनमेंट आपने LMS पे ही सबमिट करानी है। जो एक्चुअल LMS सबमिशन डेट है दैट इज़ 14 मई, लेकिन आप लोगों ने अपना काम 10 मई को मुझसे अप्रूव करवा लेना है। उसके बाद फिर आपने आगे इसको LMS के ऊपर अपलोड करना है। रीज़न क्या है बेटे कि आप लोग जो हैं वो 10th को फ्राइडे है, फ्राइडे को आप लोगों ने अपना काम ये मेरे से अप्रूव करवा लेना है, ताकि आप, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट्स हो तो आप वो वीकेंड पे अमेंडमेंट्स करें, और ट्यूसडे को इसकी फाइनल सबमिशन है। ग्रुप लीडर का काम होगा कि उसने इसकी सबमिशन करनी होगी। ठीक हो क्या बेटे, अब मैं बात करूँगी यहाँ पे, ये मैंने जो आपकी बेटे ये बेटे अपने माइक्स म्यूट रखा करें। आपके घर में जो आवाजें हैं वो यहाँ सेशन के दौरान भी आ रही हैं। ठीक है, बी केयरफुल। ये BC220400 ये वाली जो स्टूडेंट है इनका माइक अनम्यूट था बेटे, इस चीज का ध्यान रखा करें। पूरी क्लास आपकी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही होती है इस तरह से। अच्छा बेटे, अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और क्या ये टाइटल्स दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे? यस मैम। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है? फर्स्ट टाइटल है प्रमोटिंग इमोशनल वेलबींग, एक्टिव सिटीजनशिप इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल वार्ड्स, Empowering resilience, active citizenship and coping strategies for women in hospital ward, creating a supportive environment, active citizenship for enhancing the hospital experience of children, enhancing mental health, active citizenship and psychoeducation for women in hospital ward, fostering social connection, active citizenship initiative for building a supportive community in hospital ward, promoting play and recreation, active citizenship project for children in hospital ward, encouraging expressive art, active citizenship and creative therapy for women in hospital ward, advocating for patients' rights, active citizenship initiative for empowering children and women in hospital ward, building resilience, resilient caregivers, active citizenship and support program for families in hospital ward, addressing special need, active citizenship project for children with disabilities in hospital wards. अब ये 10 titles हैं, इनको सुनने के बाद आपको idea हो गया होगा कि कुछ जो हैं ये children के जो wards हैं उनके लिए हैं, child wards के लिए, कुछ women wards के लिए हैं जो titles बने हुए हैं। ठीक है, अगर स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन है, डिसेबिलिटी के हैं, तो उनके लिए नंबर 10 वाला टाइटल है। फीमेल्स के लिए डिफरेंट है, जो चिल्ड्रन है उनके लिए डिफरेंट टाइटल्स दिए हुए हैं। अब ये आप लोगों के ग्रुप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किन के साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत सारे आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन की हुई है जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट ऑप्ट किया है। तो बेटे एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये प्रोजेक्ट टाइटल है हॉस्पिटल वार्ड। दिस मीन्स कि आपने एक इंडिविजुअल पे काम नहीं करना। जैसे आप इंटर्नशिप में इंडिविजुअलिस्टिक केसेस लेते हैं, इंडिविजुअल केसेस लेते हैं, आप लोगों ने PSY 612 के प्रोजेक्ट हॉस्पिटल वार्ड में जो काम करना है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, वो ग्रुप में करनी है। यानी कि आपने नंबर ऑफ पर्संस होंगे जिनके साथ ये काम करना है। आपको प्रॉपर हॉस्पिटल के वार्ड में जाना है और वहाँ जाके आपने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वहाँ के लोगों के साथ। आप लोगों के ग्रुप्स बन चुके हैं, 8 ग्रुप्स हैं। हर स्टूडेंट ने अपनी विसिनिटी में जो नियर बाय आपके हैं हॉस्पिटल्स, उनके वार्ड्स में जाके काम करना होगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे वार्ड्स हों जो कि चाइल्ड वार्ड हैं या फीमेल वार्ड हैं, जहाँ पे जाके आपने अपने टाइटल के अकॉर्डिंग, ये 10 टाइटल्स में से जो भी टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपने जाके अपना काम करना होगा। क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को कि आप लोगों ने काम करना किस तरह से है? यस मैम। ठीक है, अब मैं ये स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ और आप लोगों के ग्रुप लीडर्स अब डिटरमिन करते हैं कि किस ग्रुप जो है उसका कौन सा लीडर होगा, और ग्रुप का नंबर और स्टूडेंट नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपकी जो फाइल है इसमें क्लियरली बताया हुआ है, काम जो है वो डिवाइड हुआ है। अब मैं आपको आपका स्टूडेंट नंबर भी बता दूंगी ताकि आप लोगों के लिए काम करना बहुत आसान हो जाए। अच्छा बेटे, अब हम बात करेंगे जी बेटे, अब हम बात करने लगे हैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की, जिसकी ग्रुप आईडी है S2409 4FD89। इसमें स्टूडेंट्स हैं BC22042421, BC220418 703, BC220416 140, BC220401 277, BC220410 005 1। इनमें से कोई भी स्टूडेंट अगर अवेलेबल है तो वो अनम्यूट कर ले अपना माइक। इसी तरह बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी रेडी रहिए। आप लोगों की जब टर्न आएगी तो आप लोगों ने अपने माइक्स अनम्यूट करने हैं अपनी टर्न पे। ये जो मैंने स्टूडेंट आईडीज बताई हैं बेटे, इनमें से जो भी बच्चे अभी अवेलेबल हैं वो अनम्यूट कर लें। सीरत जहरा, इन्होंने ग्रुप ही छोड़ दिया है अभी। कौन सा स्टूडेंट इस वक्त अवेलेबल है इनमें से? मैम मैं हूँ BC। जी बेटे, बताइए अपना नाम। मरियम। मरियम, ठीक है। मरियम पे, ठीक है। मरियम के अलावा कोई और मेंबर है यहाँ पे? मैम ये सीरत जहरा जो भी लेफ्ट करके गया, ये भी इसी ग्रुप में थी। ठीक है, वो मुझे आइडिया हो गया, उसी वक्त उन्होंने लीव किया ग्रुप। और बाकी स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ है आपका? यस मैम, ग्रुप बन गया हमारा। सारी गर्ल्स मिल गई हैं, लेकिन कोई भी ग्रुप लीडर बनने को तैयार नहीं। ओके, तो बेटे फिर बताएं क्या डिसीजन होगा कि ग्रुप लीडर कौन बनना चाह रहा है? मैम ग्रुप लीडर का काम क्या है? बेटे आपको अभी गाइड किया है कि ग्रुप लीडर के पास सारा जो चंक्स हैं वो आएंगे, उसने उसको एक फाइल में करना है और उसने अपलोड कर देना है LMS के ऊपर। उससे पहले आपसे स्काइप पे अप्रूव करवाना है जी, उससे पहले अभी हमारे सेशंस होते रहेंगे। आपका नाम क्या है बेटे? मरियम अहमद। मरियम अहमद, ठीक है। मरियम, आप फिर जो है ना वो लीडरशिप का लोड ले लें। You can do it. अच्छा बेटे, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर लूँ कि बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं यहाँ लीडरशिप के रोल से। बेटे एक चीज याद रखिएगा कि यही जो आपके टास्क होते हैं जो आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे स्किल्स आप में डेवलप होते हैं एज अ लीडर। तो आई रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जो कि लीडरशिप के लिए अपना नाम खुद से दे दें। अदरवाइज मैं किसी भी एक स्टूडेंट को बना तो दूंगी लीडर, ठीक है, लेकिन आपने खुद से इनिशिएटिव लेना है। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव रोल। इसमें आपका अपना बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। मरियम, ग्रुप नंबर 1 के लिए आप लीडर होंगी और आप लोगों ने जो ये 10 टाइटल्स मैंने बताए हैं इनमें से कोई एक टाइटल फाइनलाइज करके मुझे बताना होगा। थर्सडे या फ्राइडे को हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों ने अपना जो टाइटल है वो मुझे फाइनलाइज करके बता देना है, और अगर कोई इनएक्टिव स्टूडेंट है तो उसका भी आपने मुझे इन्फॉर्म करना है कि ये स्टूडेंट अभी अवेलेबल नहीं है या इनएक्टिव है। ठीक है मरियम, क्लियर हो गया आपको? Okay. चलें, थैंक यू। नाउ कमिंग टू ग्रुप नंबर 2 S240979BC1, ये ग्रुप आईडी है, स्टूडेंट आईडीज हैं ये। जिन बच्चों की मैं स्टूडेंट आईडी बोलूंगी इनमें से जो अवेलेबल हैं वो अनम्यूट करेंगे। BC20040310, BC22041053, BC22040581, BC22040135, BC22040121। यस मैम जी। उम्मे फरवा, आप अवेलेबल हैं? और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के? यस मैम, मैं युसरा सैयद। यस ठीक है बेटे, आपका कांटेक्ट हो गया अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स के साथ? यस मैम, हो गया। यस मैम, सबके साथ। अच्छा, अब आप में से ग्रुप लीडर कौन बनना चाहेगा बेटे? मैम मैं तैयबा शौकत, मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए। वेल डन तैयबा, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। मैं आपका नाम लिख रही हूँ अपने पास। और बेटे आपने भी नेक्स्ट सेशन में रिपोर्ट करना है डिस्कशन करने के बाद कि आप 10 टाइटल्स में से कौन सा टाइटल लेंगे, और आप में से अगर कोई भी एक मिसिंग मेंबर है तो उसके बारे में आपने इन्फॉर्म करना होगा। यस मैम। मैम हम तमाम स्टूडेंट मिल चुके हैं और हमने ग्रुप बना चुके हैं। चलें, दैट इज गुड, एक्सेलेंट। चलें जी, कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 S24098221B4। अब इसके स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो जाएं। ग्रुप बी हमारा बहुत एक एक्टिव ग्रुप है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने अनम्यूट किया है। आप लोग भी देखें जो बच्चे हैं अवेलेबल वो अनम्यूट कीजिए। BC20041448 1, BC22042448 0, BC2204000103, BC2204000450, BC2004044001। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अनम्यूट कर लें। ग्रुप 3 के स्टूडेंट्स अनम्यूट करें बेटे, वी डोंट हैव मच टाइम, बी क्विक। अभी तक ग्रुप 1 में मरियम अहमद और ग्रुप 2 में तैयबा शौकत, ये दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लीडरशिप के रोल्स लिए हैं। ग्रुप 3 में कोई बच्चा अवेलेबल है? ओके, कमिंग टू ग्रुप नंबर 4 S240986C632। बेटे ये जो ग्रुप नंबर 4 है ये ग्रुप आईडी मैंने बताई है, इसके अगर कोई स्टूडेंट हैं तो वो काइंडली अनम्यूट कीजिए। BC20040355, BC20040141, BC2204000568। जी बेटे। जी मैम, इस ग्रुप से मोहम्मद साद अवेलेबल हैं। ग्रुप नंबर 4 की बात हो रही है ये? जी मैम, ग्रुप नंबर 4 से मोहम्मद साद। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 के और कौन से स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं? एम मैम, मुस्कान जहरा। ठीक है, अच्छा। ग्रुप नंबर 4 में बेटे आप लोगों में से कौन सा बच्चा है जो लीडर बनना चाहेगा? मुस्कान जहरा। मुस्कान जहरा, मुस्कान जहरा। ठीक है मुस्कान, मुझे स्टूडेंट आईडी बताइए मुस्कान। श्योर मैम, BC2403535। ओके मुस्कान, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ मुस्कान, वेल डन। ओके मैम, थैंक यू। ओके, कमिंग टू ग्रुप नंबर 5 S2409A5875। ग्रुप नंबर 5 के स्टूडेंट्स अगर अवेलेबल हैं तो वो अनम्यूट करें। स्टूडेंट आईडीज बताने की जरूरत है या आपको पता है? मैम एक दफा ग्रुप आईडी फिर से रिपीट कीजिएगा। ओके बेटे। जी ग्रुप नंबर 5 की ग्रुप आईडी है S2409A5875 ग्रुप नंबर 5। यस मैम यही आईडी है हमारी। ठीक है तो बेटे आपके ग्रुप में से कौन लीडर बनना चाहेगा? मैम पहले तो हमारे ग्रुप में 5 मेंबर है लेकिन अभी तक हम सिर्फ 4 ही हुए हैं, हमें 5th मेंबर मिल ही नहीं रहा। हमने ग्रुप में भी काफी दफा पूछा है तो वो मेंबर है जो अभी तक हमें मिल ही नहीं रहा। कौन सा मिसिंग मेंबर है? स्टूडेंट आईडी बताइए उसकी। बोलती हूँ BC21040692 3। ठीक है बेटे मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म करती हूँ इस मेंबर के बारे में। ठीक है बेटे और मुझे ये बताएं कि आपके ग्रुप में से कौन ग्रुप लीडर बनना चाहेगा? मैम बनने के लिए तो कोई भी नहीं था तैयार हो रहा, लेकिन अभी तो हम खुद ही डिसाइड कर रहे थे। हम यही सोच रहे थे कि अभी 5th मेंबर मिल जाए तो उसके बाद डिसाइड करते हैं, लेकिन 5th मेंबर बहुत कोशिश की लेकिन हमें मिला नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से मेरे अलावा, तो फिर मैं ही बन जाती हूँ। ठीक है अपना स्टूडेंट आईडी बताइए बेटे। BC2204150006। ठीक है और आपका नाम क्या है बेटे? आमना। आमना या हमना? आमना बीबी। बेटे वेल डन आमना। स्टूडेंट आईडी इस ग्रुप की काइंडली रिपीट कीजिएगा। स्टूडेंट आईडी ये तो ग्रुप नंबर 5 है ना बेटे? जी मैम इसी में मुझे लग रहा है कि जैसे कि इसी में हुआ भी, मुझे ना पहले आवाज निकले आ रही थी। अच्छा। तो स्टूडेंट आईडी जो है उनसे मुझे कंफर्म हो जाएगा। मैं बताती हूँ आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी क्या है बेटे? आप अपनी स्टूडेंट आईडी बोलिए। मैम 2004 0168 4। एक सेकंड बेटे BC से स्टार्ट हो रही है आपकी स्टूडेंट आईडी? जी जी मैम BC 2004 जी बेटे 2004 आगे नेक्स्ट क्या है नंबर? मैम ये हो गया कंफर्म, अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ। BC 2004 0168 4। मैम ये नहीं है हमारे ग्रुप में, वो कोई और है, उनकी आईडी के लास्ट पे डिजिट 6923 है। अच्छा बेटे आपकी आईडी यही है BC 20040168 4? 2004 मैम 20040168 4। ठीक है आप इसी ग्रुप में ग्रुप 5 में ही हैं। नाम क्या है आपका बेटे? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान ठीक है बेटे इसी ग्रुप में हैं आप। ये तो अच्छा मैम ऐड है हमारे पास। ठीक है बेटे ग्रुप नंबर 6 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 6 की आईडी है S2409DAC01। इसके कोई स्टूडेंट अभी अवेलेबल हैं या नहीं? जी बेटे ग्रुप नंबर 6 S2409DAC01 के कोई मेंबर अभी अवेलेबल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम मैं अवेलेबल हूँ, मारिया नसीम नाम है। ठीक है मारिया आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है बेटे? 2002002228। ओके ठीक है मारिया फिर आप इस ग्रुप को लीड करेंगी। मुझे ये बताएं कोई मिसिंग मेंबर तो नहीं है आपका? मैम एक आईडी है 338 के नाम से, एंड पे उसके 338 आता है, तो वो हमें मिल नहीं रही या रहा, उसको हमने काफी ढूंढा भी है तो नहीं मिल रहा। और मैम एक लड़की है जिला शहबाज तो वो ग्रुप लीडर बनना चाह रही थी, उनसे मेरी बात हुई है। ठीक है चलें मारिया जब तक जिले शहबार स्काइप पे नहीं आ जाती ना, हाँ जी जब तक वो स्काइप पे नहीं आ जाती तब तक आप चार्ज लेंगी, क्योंकि अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई। अगर आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जिले शहबार बनना चाहती हैं तो आई हैव नो इशू विद इट। ठीक है अभी आपका नाम ही है इसमें। चलें ओके बेटे नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 7 S2409EFAFE ग्रुप नंबर 7। यस मैम। ठीक है बेटे, क्या नाम है आपका? अफशा खावर। अफशा, अस्सलाम वालेकुम, मैं भी इसी ग्रुप से हूं। ठीक है बेटे, आप लोगों का जो ये ग्रुप नंबर 7 है, इसमें से लीड कौन करना चाहेगा? मैम नूर-ए-हिरा है, वो करेंगी। नूर-ए-हिरा, नूर-ए-हिरा का स्टूडेंट आईडी क्या है बेटे? BC20041230। ओके, इनका नाम है नूर-ए-हिरा। ठीक है बेटे, दैट इज फाइन, वेल डन। एक नंबर नहीं मिल रही है हमें अभी, कौन सी वाली है बेटे? स्टूडेंट आईडी बता दें। BC22041748। ठीक है बेटे, ये मैंने अपने पास नोट कर लिया है, तो इनको फिर अप्रोच करके तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ग्रुप नंबर 8 S2409566656। जी बेटे पूछिए, ग्रुप नंबर 8 के मेंबर्स एक्टिव हो जाएं। जी बेटे पूछिए। मैम मैंने ये पूछना था, आपने बताया भी है कि इसका मतलब ये है कि जस्ट ग्रुप लीडर जो है ना, उसने असाइनमेंट आपको सबमिट करनी है या सबने अपनी बना बना कर करनी है? सब स्टूडेंट्स ने अपना काम करके ग्रुप लीडर को सेंड करना है, ग्रुप लीडर ने उसको एक फाइल में करके मुझे ईमेल करना है। ईमेल तो नहीं, पहले ईमेल होगा, उसके बाद फिर एलएमएस पे अपलोड करना है। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटे। जी ग्रुप नंबर 8 के मेंबर्स एक्टिवेट हो जाएं, अनम्यूट करें। S2409F6656 ये ग्रुप आईडी है, इसके मेंबर्स प्लीज एक्टिवेट हो जाएं। जी बेटे, क्या कोई अवेलेबल नहीं है अभी इस ग्रुप में से? ग्रुप नंबर 3 का भी कोई मेंबर अभी अवेलेबल नहीं है, और ग्रुप नंबर 8 से भी कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। जी लाइबा। हेलो जी मैम, F66 आपने 56 बोला या F6 बोला लास्ट पे? F6 बोला बेटे, F6। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटे आप ना लास्टली आईडी बोल सकती हैं? जी S2409F66F6। यस मैम, आई एम हियर। ठीक है बेटे, आपका नाम क्या है? मैंने लाइबा और BC है BC24184669। ठीक है लाइबा, आप अभी इस ग्रुप को लीड करेंगी, और मुझे ये बताएं कोई मिसिंग मेंबर तो नहीं है आपके ग्रुप का? मैम एक मेंबर है, तो उसका मिल गया हमें, उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया लेकिन उसका तक रिप्लाई नहीं आया कोई भी। ठीक है, मुझे स्टूडेंट आईडी बता दीजिए बेटे। मैम स्टूडेंट आईडी मुझे कंफर्म नहीं है, वो हमारी दूसरी मेंबर थी, उन्होंने ग्रुप बनाया और उन्हीं को ये सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में आप बता दीजिएगा। हम थर्सडे फ्राइडे को इंशाल्लाह सेशन रखेंगे, सेशन के दौरान बात करेंगे। अब ये जो 8 ग्रुप्स है ना बेटे, आप लोगों के लीडर डिटरमिन हो गए हैं, आप आपस में कम्युनिकेशन करें। अगर कोई लीडरशिप चेंज करना चाह रहा है तो गो अहेड हो सकता है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन स्टूडेंट्स को जो लीडरशिप के रोल्स में आते हैं। अगर आप लोगों का कोई मिसिंग मेंबर है आप बता सकते हैं, आपस में डिसाइड करके जो 10 टाइटल्स हमने डिस्कस किए हैं, आपने उन 10 टाइटल्स में से कोई एक डिसाइड करना है और आपने मुझे नोटिफाई कराना है। ठीक है बेटे, और 10 तक आपने अपना जो फर्स्ट काम है वो मुझे सबमिट कराना है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। नादिया कंवल, आपने हैंड रेज किया बेटे, बी क्विक। क्या कंसर्न है आपका? अदरवाइज फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। मैम ये एक आईडी है की, तो वो मैंने पूछना था, आप बता देंगे कि कौन से ग्रुप में है वो? आईडी है किस चीज का? क्या आईडी है स्टूडेंट आईडी? PC20। ये आपकी आईडी है? नो मैम, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। जिनकी आईडी है वो खुद से पूछ लें। अच्छा बेटे, आप लोगों का ये जो ग्रुप है ना, इसमें 45 मेंबर्स हैं। अब आप लोगों को पता है कि LMS पे सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं। जो बच्चे LMS के ऊपर इस प्रोजेक्ट में होंगे, सिर्फ वो ही इस स्काइप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बाकी के 4 बच्चे एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, वो इस ग्रुप को लीव कर दें, क्योंकि स्काइप ग्रुप ज्वाइन करने का सिर्फ कोई फायदा नहीं है। आप लोग जब तक LMS के ऊपर एनरोल्ड नहीं है, आपकी आईडीज यहाँ पे नहीं आ रही है, आपकी ग्रुप आईडी LMS पे शो नहीं हो रही, तो इस स्काइप ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा फ़ायदा नहीं है तो खुद ही आप लीव कर दीजिए। इसमें हमारे पास 41 मेंबर्स होने चाहिए, 40 स्टूडेंट्स और एक मेरी आईडी होगी, ठीक है, टोटल 41 मेंबर्स होने चाहिए। ऑल द बेस्ट बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम ज्वाइन करेंगे। तब तक आप लोगों ने अपने मिसिंग मेंबर्स को लोकेट करना है, लीडरशिप का डिटर्मिन करना है और आपने अपना टाइटल फाइनलाइज करना है। अल्लाह हाफिज़।